शरीर की शुद्धि और सब रोगों से मुक्ति, इसका एक बहुत सुंदर और बहुत सरल उपाय आज आपको हम बताने वाले हैं। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है योग व स्वास्थ्य के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम आपको बताएंगे बिल्कुल एक अलग चीज जो आप कुछ दिन करें। ये वैसे तो 14 दिनों का कोर्स है, लेकिन आप अगर 7 दिन भी अपने शरीर के साथ इस प्रकार का यह सिस्टम फॉलो करें शरीर में, निश्चित रूप से आपका शरीर शुद्ध भी हो जाएगा। क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का नाम ही योग व स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य की बहुत सुंदर और निरापद बातें बताना हमारा इस कार्यक्रम में मैटर रहता है, समय वो रहता है कार्यक्रम। लेकिन समस्या यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग साधकों की, अलग अलग दर्शकों की आती है कि हमारे को योग करने से उतना, कुछ लोगों की तो आ मैसेज आता है कि योग करने से उतना अपेक्षित लाभ नहीं होता जितना हम सोचते हैं। तो क्या ये पूरी तरह से एक ऐसी पद्धति नहीं कि जिसमें सारी समस्याएं दूर हो जाएं? तो मैं उनको यही कहता हूँ, मैंने कहा केवल योगासन प्राणायाम करने से कुछ लाभ होता है शारीरिक बीमारियों पर भी और फिजिकल हेल्थ, उसके अलावा हमारे शरीर को शुद्ध भी करना होता है। तो शुद्ध करने के लिए आज हम आपको एक विधि बताते हैं, उस विधि को आप ध्यान से पहले सुनिए, और अगर आपसे सुनने में निकल जाए कोई चीज तो आप बाद में फिर से इस वीडियो को चला के फिर से सुनिएगा, ताकि आप पूरे अच्छे प्रकार से इसको समझ लेंगे ना, तो समस्या ये नहीं आएगी। आपको लिख भी लेंगे इसको, मोटे मोटे पॉइंट्स के रूप में लिख लेना। पहला, ये 4 पॉइंट्स में है। पहला पहला जो है इसके लाभ क्या होते हैं पहले ये समझ लो। बड़ी आंत की शुद्धि हो जाती है तो सारा शरीर धीरे धीरे अपने आप अच्छा होने लगता है। रोगों का वेग नहीं आता, रोगों का वेग नहीं पड़ता हमारे शरीर में। तो जितने रोग हैं वे धीरे धीरे ठीक होंगे, और यदि नहीं है तो ऐसे आएंगे नहीं रोग नए आपके शरीर में, ये ध्यान रखने की बात। और क्या, कौन सा रोग, जुकाम से लेकर कैंसर तक, सब ट्यूमर से लेकर के सारी बड़ी बड़ी बीमारियों की बात, उन सब पर ये काम करता है। और जनरल जो फिजिकल डेली की फिटनेस है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। अब आपको एक ही पंक्ति में सब बता दिया कि इसके क्या क्या लाभ है। अब आपको इसको सिस्टम को पधारो कैसे करते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे वो है बड़ी आंत की शुद्धि करना। बड़ी आंत की शुद्धि यानी कि बड़ी आंत को, लार्ज इंटेस्टाइन को बिल्कुल शुद्ध कर लेना। कैसे कर लेना, उसके लिए एक यहाँ पर आपके सामने मेरे पास एक पात्र है। यह पात्र वाटर एनिमा का पात्र होता है। इसकी क्षमता होती है, प्लास्टिक का है, इसकी क्षमता होती है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर पानी। तो 1.5 लीटर पानी इसमें आ जाता है। इसमें साथ में एक पाइप भी आता है। इस पाइप को देखते हैं कैसे करते हैं ये। कुछ लोग क्या एनिमा शब्द सुनते ही बड़े डरते हैं, बहुत संकोच करते हैं कि मैं कैसे करूंगा, क्या मैं अकेला कर सकता हूँ क्या, ये तो डॉक्टरों डॉक्टर लोगों ने तो आपको कभी इन बातों के बारे में बताया नहीं है। वो तो पेशेंट जब हो जाते हैं, व्यक्ति की बहुत समस्या आ जाती है, बुजुर्ग हो जाते हैं या मरीज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, या कभी गर्भावस्था में भी, तो उनका एनिमा केमिकल वाला लगा करके व्यक्ति को देते हैं। लेकिन आपको ये घर में ही करना चाहिए, और ये घर में करेंगे तो आपको समस्या बिल्कुल नहीं आने वाली है। आसानी से 5-10 मिनट में एनिमा लग हो जाता है। ये वाटर एनिमा प्राकृतिक चिकित्सा का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और स्वस्थ रहने की बड़ी सुंदर पद्धति है। जिनको कब्ज की, गैस की, एसिडिटी की या आंतों की समस्या, जो भी समस्या है, उन सब के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें पानी भर लेना होता है, गुनगुना भर ले आप। इसमें नीम से जो भावित किया हुआ, यानी कि नीम इसमें उबाली हुई है, वह पानी भी छान कर भर सकते हैं, अथवा थोड़ा नींबू को निचोड़ सकते हैं, छान करके भरेंगे। आरओ का वाटर नहीं भरेंगे, इन बातों का ध्यान रखना है, आपको आरओ का वाटर नहीं भरना है। 1.5 लीटर की इसकी क्षमता है, कम से कम आप इसको 1 से 1.5 लीटर तो भर ही लें। 1.5 लीटर पूरा ही भर लीजिए। इसमें एक पाइप होता है, इस प्रकार से इसको लगाना होता है। ऐसे आपने इसको लगा दिया और थोड़ा ऊंचे स्थान पर लगाया, और फिर आपको थोड़ा सा ऐसे लेट करके, सुबह सुबह खाली पेट करना होगा, ज्यादा अच्छे प्रकार से होगा, या लेट करके इसके अंदर एक पाइप जो होता है उसमें एक छोटा सा नल लगा रहता है। ये नल है, ये नल को आप ऐसे खोलेंगे तो यहाँ से पानी आने लगेगा, और ऐसे बंद करेंगे तो पानी बंद हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे रखना होगा, या फिर ऊपर की तरफ पकड़ लीजिए। इसमें एक नोजल होता है, इस नोजल को यहाँ ऐसे लगा लेना होता है, एक छोटा सा पाइप जिसको नोजल की तरह से कहते हैं।
और इस प्रकार से आपको घुटने ऐसे फोल्ड करके ऐसे, और अपने एनस में गुदा द्वार में इसको लगाना होगा, और नल को इसको पहले खोल लीजिए ताकि ये पानी आपके बड़ी आंत में प्रवेश कर सके। जैसे ही बड़ी आंत में आपके प्रवेश करेगा तो धीरे धीरे इसको थोड़ा ऊपर रख लेंगे तो आराम से प्रेशर बन करके आएगा, रख सकते हैं या फिर ऐसे पकड़ भी सकते हैं। इस प्रकार से आपने किया, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आधे लीटर की है आधा लीटर ले लो, है ना, 1 लीटर की तो 1 लीटर जैसे ही अंदर जाए, जितना भी अंदर जाए उसके बाद इस नल को ही बंद कर, जैसे ही नल बंद करेंगे तो पानी आना बंद हो जाएगा, फिर इसको पाइप को निकालो और फिर थोड़ा सा टहल लो, 2-4 मिनट चल लो, और नहीं चल सकते हैं मान लीजिए तो फिर जा करके टॉयलेट में बैठ जाए, और बैठे वहां पर आपको समस्या नहीं है, कहीं कुछ भी आपको अतिरिक्त नहीं करना, स्वाभाविक रूप से जल के साथ बहुत वर्षों पुराना मल बाहर निकलेगा, और उसको देख करके घबराना मत, ये अंदर की गंदगी है जो हमारे को अंदर से बीमार बनाए हुए है, क्योंकि हमारी बीमारी का रोग का कारण, दुर्बलता का कारण, या जिसको हम कहते हैं निराशा का कारण, या शरीर में जो अच्छी स्थितियां नहीं बन रही, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तमाम तरह के रोगों का एक कारण है कि हमारी बड़ी आंत शुद्ध नहीं है, तो उसको शुद्ध करने का बहुत सुंदर तरीका, पहला पहला ये कर लिया, पहला पॉइंट हो गया बड़ी आंत की शुद्धि। क्या किया, सुबह सुबह इसको किया, उसके बाद आकर के वापस बैठे, वापस लेटे, और फिर से एक बार किया, फिर से एक बार किया, 3 से 4 बार करना है, 15-20 मिनट मात्र लगेंगे, 15-20 मिनट में आपकी आंतें शुद्ध हो जाएंगी, ये प्रतिदिन करना है, 10 दिनों तक तो मान के चलो, जो व्यक्ति और रोज नहीं कर पा रहा तो हर दूसरे दिन करे, लेकिन ये पूरा 14 दिन आप फॉलो करो, देखो शरीर कैसे देव तुल्य हो जाता है, बिल्कुल बहुत सुंदर, अंदर से बहुत अच्छा, स्वस्थ, पवित्र, शुद्ध हो जाएगा, क्लेंजिंग हो जाएगा। जो लोग उल्टा पुल्टा भी खाते रहते हैं ना, आए दिन फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या खाते हैं, कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कई बार पेट में इन्फेक्शन ही हो जाता है छोटी बड़ी आंतों का, किसी को अल्सर की प्रॉब्लम है, कोई भी इस एनीमा को कर सकता है, इस एनीमा पॉट से, एनीमा सेल्फ एनीमा पॉट है ये, घर में व्यक्ति स्वयं दे सकता है, इसके लिए दूसरे किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, विधि मैंने बता दी, इसको फॉलो करें। पहला पॉइंट हो गया बड़ी आंत की शुद्धि, जिससे ये हो गया। दूसरा पॉइंट है 6 घंटे का निर्जला उपवास, 6 घंटे का निर्जला, मान लीजिए सुबह आप 5 बजे उठे या 6 बजे उठे, उसमें 6 घंटे और जोड़ दीजिए, उन 6 घंटों को जोड़ करके तब तक आपको न पानी लेना है और ना ही आपको भोजन लेना है, न जल का सेवन करना है ना भोजन अन्न का सेवन करना है, आपको दोनों में से कुछ भी नहीं लेना, अगले 6 घंटे तक नहीं लेना पानी भी नहीं लेना, क्योंकि देखो शरीर में ही शक्ति होती है हमारे शरीर को अच्छा, पवित्र और शुद्ध और स्वस्थ बनाने की, इसी में शक्ति होती है हमारे शरीर को इम्यूनिटी डेवलप करने की, तो पहले ये शुद्ध होगा तभी तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो आपने ये प्रयास प्रयोग कर लिया, 6 घंटे तक आपको सुबह से लेकर कुछ भी नहीं खाना, नहीं निभा पा रहे 6 घंटे, 4 घंटे तो कम से कम कर लो, ये कर लिया, दूसरा पॉइंट हो गया ये 6 घंटे का निर्जला उपवास। तीसरा पॉइंट है हेल्दी ड्रिंक, और चौथा पॉइंट है डाइट, भोजन। तो तीसरा हेल्दी ड्रिंक, यानी कि जैसे आप 6 बजे उठे तो 12 बजे तक आपको कुछ नहीं लेना, प्राणायाम आदि जितना करना है बाकी दिनचर्या थोड़ी बहुत करते रहे, और उसके बाद 6 घंटे बाद आपने तीसरे वाले पॉइंट को फॉलो किया, तीसरा पॉइंट है हेल्दी ड्रिंक। हेल्दी ड्रिंक के लिए आपको मिक्सी आपके घरों में होगी, मिक्सर होगा, नहीं भी है तो भी आप किसी प्रयोग करके क्या करना है, ग्रीन जूस बनाना है, ग्रीन जूस, ग्रीन जूस में पालक होगी, मेथी होगी, बथुआ होगा, पुदीना होगा, थोड़ा कुछ 8-10 तुलसी के पत्ते होंगे, धनिया के कुछ पत्ते होंगे, उसके अलावा गाजर के पत्ते, मूली के पत्ते, 2 आंवला डालें इसमें, 2 आंवला, और जिनको स्वाद थोड़ा और बढ़ाना है तो हल्का सा अदरक का छोटा सा टुकड़ा और आधा नींबू डाल सकते हैं, इनको मिलाएं, इसमें और भी चीजें डाली जा सकती हैं, आप डालना चाहें तो इसमें थोड़ा एलोवेरा डाल सकते हैं, इसमें करी पत्ते डाल सकते हैं, इसमें शीशम का पत्ता डाल सकते हैं, इसमें नीम के भी पत्ते डाल सकते हैं, थोड़ी सी गिलोय डाल सकते हैं, इस तरह से यदि ऐसी चीजें नहीं मिलती या इतनी चीजों में से आधी चीजें भी मिल जाए, इसमें आप एक पतली सी गाजर डाल सकते हैं और एक पतला सा अगर छोटा सा टुकड़ा चुकंदर का मिले तो ठीक है, नहीं तो पालक, आंवला, मेथी, बथुआ, मूली के पत्ते, गाजर के पत्ते अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, और धनिया, पुदीना। आप सोचो ये कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, मेरे को इतनी चीजें इकट्ठी करने जाएंगे तो भैया, भाई साहब आप ये सोचो कि
कि आप इतनी चीजें इकट्ठी करने में मेहनत लगा लो, अच्छी बात है, तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर डॉक्टरों के पीछे भागना होगा, डायग्नोस्टिक सेंटर्स के पीछे भागना होगा, वहां भी तो मेहनत होगी, वहां भी तो धन लगेगा, वहां भी तो आपका पैसा लगेगा, वहां भी तो दिमाग खराब होगा, वहां भी तो घर वाले परेशान होंगे। तो ये सब चीजें इतनी ज्यादा बड़ी स्तर पर आपको फेस करनी पड़े, इससे अच्छा है ये छोटी सी चीजों में मेहनत कर लो। इन छोटी सी चीजों में मेहनत करेंगे तो आपके सामने ऐसी कोई गंभीर परिस्थितियां आएंगी ही नहीं, शरीर शुद्ध रहेगा। पहला तो हमें क्या करना है, भोजन में ये ग्रीन जूस को लेना है। इतनी सारी चीजें बता दी, इतनी सारी चीजों में से जो भी चीजें मिल जाए इनको अच्छे प्रकार से आप साफ सुथरा करके फिर इनका जूस बनाए, और जूस बना करके पहला पहला ड्रिंक आप इसी को लेंगे 6 घंटे के निर्जला उपवास के बाद में। 1 गिलास पी सकते हैं, 1.5 गिलास पी सकते हैं, 2 गिलास पी सकते हैं, जितना आपकी मर्जी हो पी जाए, 1.5 2 3 गिलास तक पी जाए, घंटा 1.5 घंटा। अब खाना कुछ नहीं है, घंटे 1.5 घंटा आप इस जूस से खूब एनर्जी मिलेगी, खूब फाइबर्स मिलेंगे, खूब शोधन होगा, शरीर की गंदगी बड़ी आंत में जाएगी और किडनीज में जाएगी, किसी प्रकार से बाहर निकलने की तरफ जाएगी। तीसरा और चौथे नंबर पे है डाइट, भोजन करना। अब भोजन क्या करना, इन 14 दिनों में समझ लो पशु जनित कोई आहार नहीं लेना आपको। पशु जनित आहार में मतलब दूध भी हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, सारी चीजें हो गई, आपको पशु जनित कोई आहार नहीं। तो जिसमें आपको अब चौथे नंबर पॉइंट में भोजन जो करना है, अब 12 की बजाय 1 बज गए, मान लेंगे कि 6 बजे आप उठ रहे हैं, तो 6 घंटे का ये हो गया, 6 12 बजे आपको ड्रिंक लेना है, जो ड्रिंक मैंने आपको बताया ग्रीन जूस वाला ड्रिंक होगा, और फिर 1 घंटे बाद जो है आपको भोजन लेना है। भोजन में आपके अन्न नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई रोटी नहीं होगी, सब्जी नहीं होगी, क्या होगा आपके एक प्लेट रखेंगे जिसमें आपका भोजन होगा, जिसमें पहला पहला होगा आपका खीरा, दूसरा होगा टमाटर, तीसरा होगा मूली, चौथा होगा गाजर, पांचवा होगा थोड़ा सा चुकंदर डाल सकते हैं, छठा होगा नारंगी ऑरेंज जिसको कहते हैं, है ना, सातवां इसमें आप सेब रख सकते हैं, एप्पल रखें, ऐसे कुछ कच्चे कच्चे आहार को जो आपको पसंदीदा है वे भी रख सकते हैं, जो मौसम में मिलते हैं वे भी रख सकते हैं, अंगूर भी रख सकते हैं, चीकू भी रख सकते हैं, पपीता भी रख सकते हैं। इन्हीं चीजों से आपको पेट भर के भोजन करना। हाँ, वो हेल्दी जो जूस था उसमें भी कई सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि इसको कैसे रुचिकर बनाया जाए, भैया इसमें काली मिर्च डाल सकते हो, इसमें काला नमक डाल सकते हो, इसमें जीरा डाल सकते हो, इसमें नींबू डाल सकते हो, इससे और स्वादिष्ट हो जाएगी, रुचिकर बनाओ। इसी तरह से इस वाले जो सलाद आपने बनाया है, इसी सलाद से ही आपको पेट भरना है, आपको दोपहर का भोजन केवल इसी से करना है और कहीं दिमाग ही नहीं लगाना। आप ये सोच रहे होंगे कि भूख लगेगी तो क्या करना, नहीं लगेगी, जब भी लगेगी यही खाना, जब भी लगेगी यही खाना। आप देखो तपस्या कर लो 5 से 10 दिन 15 दिन, निश्चित रूप से आपको 1 या 2 दिन समस्या लगेगी कि भूख लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, या बड़ा कमजोरी सा फील, 1 या 2 दिन लगेगी, 3रे दिन से आदत हो जाएगी, 7 दिन 10 दिन करके देखो, और करके देखो। ये मैं आपको केवल आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत सैकड़ों लोगों पर मैंने इसका प्रयोग किया है, लोगों ने जो लाभ बताया ना वो आप विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, आप स्वयं अपने ऊपर उसका लाभ अनुभव करना और फिर हमें इस कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने पूरी ईमानदारी से किया, और भी कोई प्रश्न रह जाए तो भी आप सवाल कर लिया करो इसके कमेंट सेक्शन में, और फिर बताना कि कितने बड़े बड़े लाभ आपको हुए और होते हैं, ये बात तय है। चौथा नंबर ये हो गया। अब दोपहर में आराम से आप आराम करें, अपना काम करें, जो भी करना है वो करके, शाम का समय हो गया 5 बजे का या 4 बजे का, अब आपको फिर भूख लग रही हो तो आपको फिर से इस हेल्दी ड्रिंक को बनाना, इसमें से जो भी चीजें मिल जाए उसका सेवन, आपको सूप भी लिया जा सकता, सूप भी ले सकते हैं, है ना, और उबली हुई सब्जियां भी ले सकते हैं, और शाम के भोजन में भी आपको इसी प्रकार से सलाद शाम को 6 से 7 के बीच में सारा ले लेना, 5 से 7 के बीच में भोजन ले लेना, रात को 9 से 10 के बीच में सो जाना, ये नहीं कि आप 12 बजे तक जाग रहे, जब प्राकृतिक दिनचर्या के हिसाब से चल रहे हैं तो फिर अपने शरीर को जबरदस्ती थकाना नहीं है और अप्राकृतिक दिनचर्या में जीना नहीं है अपने, ये ध्यान रखना, तो ये दिनचर्या आपकी होनी चाहिए। फिर कोई कोई ऐसे भी लोग होंगे कि भैया हमारे से तो नहीं हो रहा, शाम का तो भोजन लेना चाहिए, लेंगे ऐसे कैसे रोकें, तो भाई शाम को 1 2 छोटी छोटी चपाती ले लो और सब्जी ले लो, ज्यादा पकी हुई ना हो, ज्यादा तेल में ना हो, इस प्रकार की
अच्छी सात्विक ढंग से बनी हुई सब्जी हो तो आपका बहुत अच्छा जो है पेट भी भर देगी और आपकी कमजोरी भी दूर हो जाएगी। फिर दूसरे दिन सुबह उठ करके फिर से यही एनीमा लेना है, आपको लगाना है और इसके बाद शुद्धि करनी है और फिर उसके बाद आप वापस से 6 घंटे निर्जला उपवास पे 12, 1 बजे या 11 बजे जब भी आपके 6 घंटे होते हैं फिर से हेल्दी ड्रिंक ग्रीन जूस लेना है। फिर उसके बाद आपको भोजन करना है, 1 घंटे बाद वही कच्चे आहार का करना है, फिर शाम को वही हेल्दी ड्रिंक, फिर शाम को कच्चे आहार का, रात को जल्दी सो जाना। तो इस तरह से आपका ये चलेगा, फिर आपका बहुत अच्छा शरीर हो जाएगा, वापस से भगवान ने जैसे दिया था शुद्ध पवित्र और सात्विक और स्वस्थ बलवान शरीर वैसे हो जाएगा। जिनका वजन घटाना है उनका वजन इससे घटेगा, जिनका वजन बढ़ाना है उनका मेटाबॉलिक रेट तेज होगा, इसमें 1-2 किलो कम भी हो जाए तो चिंता मत करना, फिर बढ़ेगा अच्छी गति से बढ़ेगा। सर्दियां हैं अच्छी गति से, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो गया, आपका चयापचय दर अच्छी हो गई, पाचन तंत्र अच्छा हो गया। फिर आप 10-15 दिन इसको करने के बाद या 5 दिन या 3 दिन भी करने के बाद फिर आप अच्छी प्रोटीन युक्त डाइट लेना, आपके पचे भी की पचेगी भी और लगेगी भी, बहुत अच्छा वजन भी अच्छा बैलेंस हो जाएगा। ये हो गया। जिनके टमी जो है पेट बाहर आ गया है कि साहब मेरे तो ये पेट बाहर आ गया, मेरे कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं जी, और मेरे ये हो गया वो हो गया, बहुत शेप बड़ा खराब लगने लग गया है, ये सब शेप इतना अच्छा हो जाएगा, आप इसको करना ईमानदारी से करना। ये मत सोचना कि इसमें मैं ड्राई फ्रूट खाऊं कि नहीं खाऊं, कुछ दिन मत खाओ कुछ नहीं होगा, चाय पियो कि नहीं पियो, नहीं पीनी। दवाई का क्या करूं, तो दवाई दवाई ले सकते हैं, जिनको लेनी है लीजिए, आपको भोजन तो बता ही दिया, भोजन के पहले बाद में ये सब चीजें ले सकते हैं। दवाई के लिए क्या पानी पीले में, पीले में कोई समस्या नहीं, ये दवाई में तो कोई कोताही मत बरतो, बाकी चीजों में फॉलो करो अच्छे ढंग से, जीभ पर थोड़ा संयम रखो, बोलो कम, और बोलेंगे कम तो कम ऊर्जा खर्च होगी तो भूख कम लगेगी या ताकत कम खर्च होगी। तो इन बातों को आप ध्यान से समझें, जाने और करें, करना शुरू करें। सर्दियां हैं, आज क्या तारीख हो गई, 20-21 तारीख हो रही है, तो इस 20-21 तारीख से प्रारंभ करिए और इस जनवरी जनवरी में इसको निपटा लीजिए, 10 दिन तक भी कर लीजिए, 11 दिन है, फिर आप 1 फरवरी से बिल्कुल अलग शरीर पाओगे, ऐसा अलग शरीर पाओगे कि आपको लगेगा कि यार कुछ शरीर में बिल्कुल हल्कापन सा आ गया, बिल्कुल हल्कापन, ऐसा कि जो खा रहे आराम से पच रहा। तो इतनी सुंदर चीज है ये, इसको करो, न्यू डाइट सिस्टम के नाम से इसको नोट कर लो, नया न्यू डाइट सिस्टम, ठीक है। तो आज के सत्र में इतना ही रखते हैं, आप सबसे अपेक्षा है आप लोग इसको करके आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या क्या फायदे हुए, होने तय हैं फायदे और बहुत जबरदस्त वाले फायदे होने तय हैं, बस आपको ये बताना है कि आपको क्या क्या हुए, आपने कितना कितना फॉलो किया। फिर भी कोई सवाल हो तो मेरे को इसमें लिखना भेजना। आज के सत्र में इतना ही, करें योग, रहें निरोग, जय हिंद जय भारत।